हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं एक न्यू मेकअप वीडियो लेकर आई हूँ। ये मॉडल मेकअप भी है और पार्टी मेकअप भी है, किसी भी ओकेजन में आप इजीली कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगती। ये मैंने बहुत ही सफाई से और नीटली जो है अपने फेस के ऊपर मेकअप अप्लाई किया हुआ है और आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को बेल को प्रेस कीजिए। सो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने केयरस का हनी लोशन लिया है, जिससे मैं अपने फेस को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करूँगी। वन ड्रॉप लेके मॉइस्चराइज़ करने के बाद ऐसे इस तरह से अपने फेस पे हल्का सा मसाज करूँगी। मसाज करने के बाद मैं अपनी आईज़ को कैमोफ्लेज करूँगी। ये क्रायलॉन की स्टिक नंबर 36 है, तो ये मैं अपनी आईज़ की, जो मेरे आजकल डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि मैं रातों को लेट नाइट जागती हूँ, तो इसकी वजह से वैसे मेरी आईज़ पर सर्कल नहीं होते। इसको मैं अपनी फिंगर से अपने थोड़ा सा आई बॉल के ऊपर और अपनी अंडर आई के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ फिंगर से इस तरह से। तो ये थोड़ा डार्क शेड है नंबर 36 जो स्टिक में होता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिट मी का कंसीलर लूँगी। कंसीलर मैं ऐसे अपने अंडर आई के ऊपर और इस तरह से आई बॉल के ऊपर भी लगाऊंगी थोड़ा सा। अगर चाहे तो आप अंडर आई पर भी लगा सकते हो। उसके बाद मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से टैप कर दिया है। टैप करने के बाद मैं यहाँ पर इसको ऊपर जो है मिस रोज़ का कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी ताकि जो मेरी आई बेस जो है मेरी फ़िक्स हो जाए। आई बेस फिक्स करने के बाद ये वाला इस तरह से आपको अपनी आईज़ के ऊपर अप्लाई करना है। अभी हमारी आई बेस है वो बिल्कुल क्लीन हो गई है, तैयार हो गई है। अब उसके बाद मैं अपनी आईब्रो को नीट करूँगी। ये मैंने होममेड अपना आईब्रो पोमेड मेक किया हुआ है, तो ये इससे बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक होता है, आईब्रोज़ मेरी फेक नहीं लगती। उसके बाद मैं यहाँ पर हुदा ब्यूटी की पैलेट ले रही हूँ। हुदा ब्यूटी की पैलेट में से ही मैंने पीच कलर अप्लाई किया है अपनी क्रीज के ऊपर ब्लेंडिंग ब्रश से। ये पीच कलर मैं इस तरह से अपनी आई के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ आउटर कॉर्नर तक। ये पीच कलर अप्लाई करने के बाद मैं इसी पैलेट में से ये थोड़ा सा जो पिंकिश शेड होता है पिंकिश फॉर्म में, मैट फॉर्म में, डार्क शेड वाला अप्लाई कर रही हूँ। इसी के ऊपर इसको मैं अपने पीच कलर के साथ जो प्राइमरी शेड है उसके साथ मैंने इसको ब्लेंड कर देना है। दोनों शेड अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगे। उसके बाद मैंने ये न्यू पैलेट मेरे पास है जिसका नेम जो है आपको न्यूड में मिल जाएगा। सो ये द कलर वर्कशॉप की आई शेडो पैलेट है। इसमें से मैंने लाइट जो सिल्वर वाला कलर होता है, वैसे तो ये पीच कलर है लेकिन आपको वीडियो में सिल्वर दिख रहा होगा, इसको मैंने इनर कॉर्नर पर लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ से पर्पल शेड लिया, ये लाइट ग्लिटर फॉर्म में है। इसको मैंने इस तरह से अपने सिल्वर शेड के साथ बीच में आई बॉल पर ब्लेंड कर दिया। फिर मैंने ये क्रिस्टीन की फेस कॉन्ट्रोल पैलेट ली, इसमें से मैं ये जो लाइट वाला कलर है ये ले रही हूँ। उसके बाद इसको मैं जो अपनी क्रीज बनाई थी क्रीज के ऊपर जो आउटर कॉर्नर है उसके साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये इस तरह से मैंने दोनों आई शेड्स को ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड करने के बाद मैंने ये पर्पल वाली ग्लिटर ली है जो ये लूज़ फॉर्म में है, लेकिन थोड़ी सी ये ग्लिटर जो थिक है इसको मैंने ज़्यादा नहीं लेनी, बहुत हल्की सी मैंने लेके अपने आई पर्ल के ऊपर जैसे 6 से 7 जैसे ड्रॉप नहीं होते उस तरह से ग्लिटर मैंने लगानी है। फिर मैंने एक कलर वर्कशॉप का स्मॉल वाली आई शेडो ली, इसमें से मैं ब्लैक शेड लूँगी। ब्लैक शेड लेने के बाद मैं इसको अपनी वाटर लाइन पर ब्लेंड करूँगी। इस तरह से वाटर लाइन पर मैंने जो है वो ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करने के बाद मैं दोबारा से कलर वर्कशॉप की स्मॉल वाली आई शेडो पैलेट लूँगी। इसमें से मैं ये डीप पर्पल मैट फॉर्म में जो कलर है ये वाला कलर लूँगी। ये कलर मैं अपने ब्लैक जो मैंने वाटर लाइन पर आई शेडो लगाए थे इसके साथ मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। जब दोनों शेड ब्लेंड हो जाएंगे, ब्लेंड करने के बाद मैं दोबारा से क्रिस्टीन की कॉन्ट्रो पैलेट लूँगी, उसमें से मैं ब्राउन शेड लूँगी। ब्राउन शेड लेने के बाद इसी ब्लैक और पर्पल के साथ मैंने इसको ब्लेंड कर देना है। ये मेरी पूरी आई पर ब्लेंड इस तरह से हो जाएगा। ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पे क्रायलॉन का पैनकेक लिया है जिसका नंबर 45 है। मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा मैंने वेट कर लिया था। वेट करने के बाद इसको मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। आज थोड़ा मैंने डिफरेंट जो है वो लुक यूज़ किए, लुक क्रिएट कर रही हूँ। ये इस तरह से मैंने अपने फेस पर ब्लेंड कर दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। उसके बाद मैंने अपनी अंडर आई पर काजल लगाया है, ये इस तरह से काजल दिख रहा होगा। काजल लगाने के बाद मैंने फिट मी का कंसीलर लिया, उसके बाद मैंने दोबारा से अपनी अंडर आई पर लगाया है क्योंकि मेरी डार्क सर्कल, अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मेरी ज़्यादा हो गई। उसके बाद मैंने इसको ब्रश की हेल्प से इसको मैंने ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा से जो है मिस रोज़ का कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी, उसके बाद मैं अपनी अंडर आई को फिक्स कर लूँगी। अब देखिए थोड़ा सा मेरा नीट मालूम हो रहा है, मेरी अंडर आई जो हाईलाइट हो गई। उसके बाद मैं लेकर प्राइम एंड फाइन का मैटिफाइंग पाउडर ले रही हूँ जो वाटर प्रूफ है। इसको मैं अपने पूरे फेस पे अपनी बेस को फिक्स कर लूँगी।
अच्छा बेस में जो है थोड़ा सा नेचुरल लुक अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा जो है वो केकी लुक जो है वो अच्छा नहीं लगता, जैसे ऐसा लगता है जैसे आपने कोई लेयर लगाई हुई हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर दोबारा से द कलर वर्ड शॉप का हाईलाइटर लिया है। यह हाईलाइटर लेने के बाद मैं अपनी ब्रो बोन पर लगा रही हूँ ताकि मेरी आईब्रोज हैं वो हाईलाइट हो जाए। ये इस तरह से मैंने ब्रो बोन पर लगाया है। ब्रो बोन पर लगाने के बाद दोनों, उसके बाद मैं इसको अपनी इनर कॉर्नर पर लगाऊंगी आईज़ के। ये मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और इससे जो है फेस जो है अपने जो मेरे हाईलाइट जो एरियाज़ हैं वो बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाते हैं। ये इनर कॉर्नर पर लगाने के बाद दोनों आईज़ पर फिर हम अपने मेकअप में आगे की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद मैं दोबारा से कलर वर्ड शॉप का ब्लशन ले रही हूँ जो मैट फॉर्म में है पिंक कलर में। ये मैंने ब्लशन ले लिया, इसको मैं ब्लशन लेने के बाद अपनी चीक्स पर अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से। मुझे कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे फेस जो है वो ज़्यादा चबी नहीं है, इसलिए मुझे कॉन्टोर में बहुत ही ज़्यादा कम अपने फेस पर करती हूँ। ये चीक्स पर लगाने के बाद दोबारा से मैंने हाईलाइटर लिया, उसके बाद मैंने अपनी चीक्स बोन को ग्लो कर दिया है। ये देखिए, ये मैंने अपने चीक्स बोन पर लगाने के बाद, ये देखिए मेरी नोज़ पर भी लगाया है। नोज़ बोन पर लगाने के बाद ये हमारा बेस जो है वो फिक्स हो गया है। उसके बाद मैंने ये कोई भी रेड कलर की आई मतलब लिप पेंसिल जो है वो ले ली। वैसे तो ये आई पेंसिल भी है और लिप पेंसिल भी है, तो लिप से मैं आज अपने पेंसिल से लिप्स को आउटलाइन कर रही हूँ। ये इस तरह से आउटलाइन हो गए ताकि थोड़ा सा नीट लगे। और उसके बाद आउटलाइन करने के बाद मैं इसके ऊपर जो है वो ग्लॉस अप्लाई करूँगी। ग्लॉस जो है वो पिंक कलर का है, हुदा ब्यूटी का ये वाला ग्लॉस। ये ग्लॉस मैं अपने लिप्स पर अप्लाई कर रही हूँ। तो तकरीबन हमारा जो है लिपस्टिक का जो ट्यूटोरियल है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये लगाने के बाद फिर मैं अपने फेस के ऊपर जो है ये मेरे लिप्स के ऊपर मैंने थोड़ा सा शाइन लगा, फिर मैं अपने आईज़ पर 5D लैशेज अप्लाई करूँगी। ये मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम अपने मस्कारा जो है अप्लाई करेंगे अपनी आई लैश के सब एटीट्यूड का। वैसे थोड़ा सा ड्राई हो गया मस्कारा पर जो है काम चल जाता है इससे। ये लगाने के बाद मैं अपनी आईज़ के ऊपर ये ग्लिटर वाला पर्पल कलर का लाइनर है, ग्लिटर लाइनर है वैसे तो ये, तो मैं इसको थोड़ा सा बहुत अपनी आई बॉल के ऊपर अप्लाई कर दूँ जहाँ पर मैंने पर्पल कलर का ग्लिटर शेड दिया था। सो ऑलमोस्ट हमारा मेकअप तकरीबन डन हो चुका।